करीब 6 साल पहले हांगकांग के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिट फाइनेक्स से 35,000 करोड़ के बिटकॉइंस चुराए गए। इस चोरी के पीछे इलिया लिक्टेनस्टाइन और हीदर मॉर्गन का हाथ था। ये सारे बिटकॉइंस इलिया लिक्टेनस्टाइन के वॉलेट में थे। अब उसे यूज करना है तो कहीं ना कहीं उसे फियाट करेंसी में यानी नॉर्मल करेंसी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसलिए धीरे धीरे वो मनी लॉन्ड्रिंग करने लगे। यानी पहले तो उस बिटकॉइन को किसी और छोटी छोटी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करने लगे और उससे धीरे धीरे उन्हें फियाट करेंसी में कन्वर्ट करने लगे। इस पूरी प्रोसेस को चेन हॉपिंग कहते हैं। लेकिन ये करते करते वो भूल गए थे कि बिटकॉइन के जो भी सारे ट्रांजेक्शन है वो ब्लॉक चेन में रजिस्टर्ड होते हैं और कोई भी उसे ट्रैक कर सकता है। तभी डिपार्टमेंट ऑफ यूएस जस्टिस ने देखा कि एक पर्टिकुलर वॉलेट से लगातार कई सारे बिटकॉइंस बेचे जा रहे हैं। इसी बीच उन बिटकॉइन से वॉलमार्ट के $500 के कुछ गिफ्ट कार्ड्स भी खरीद लिए गए। और जब ये पता किया गया कि किन किन लोगों ने गिफ्ट कार्ड्स खरीदे हैं बिटकॉइन से, तो इस कपल का नाम सामने आया, जिसके बाद उनसे 94,000 बिटकॉइन्स रिकवर किए गए। तो बिटकॉइन की तरह ही अपने फाइनेंसेस को फेल प्रूफ करने के लिए जरूर कन्वे को सब्सक्राइब करें।